सितारे तो रोज़ टूट कर गिरते हैं, गज़ब तो ये हुआ कि आफ्ताब टूट पड़ा है। इंतहाई अफसोसनाक ख़बर आपको दी जा रही है। शेखुल हदीस व तफसीर वली कामिल यादगार असलाफ़ हज़रत मौलाना सैयद ग़ुलाम नबी शाह साहिब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हो चुका है। हज़रत वाला शेखुल हदीस थे और मोहतमिम थे, जामे अरबिया सिराजुल उलूम जबोड़ी आफ मान सेहरा और जामिया सैयद अहमद शहीद के भी मोहतमिम थे। हज़रत वाला बहुत ही नेक इंसान थे, अल्लाह ताला हज़रत के दरजात को बुलंद फरमाए। और हज़रत वाला का नमाज जनाजा 4 जुलाई बरोज़ इतवार बाद अज़ नमाज़ ज़ोहर ठाकरा स्टेडियम मानसेहरा के अंदर अदा किया जाएगा। जो हज़रात वहाँ पहुँच सकते हों वो वक़्त से पहले तकरीबन 1 बजे से पहले पहले पहुँचने की कोशिश फरमाएं। हज़रत वाला का जनाजा ज़ोहर की नमाज के बाद ठाकरा स्टेडियम मानसेहरा में अदा किया जाएगा। और हज़रत वाला के दो साहबजादे ख़तीब ज़ीशान हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह और शाह अब्दुल क़ादिर रहमतुल्लाह अलैह पहले ही इस दुनिया फ़ानी से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उनके दरजात भी बुलंद फ़रमाए। हज़रत शेख साहब के दरजात को भी बुलंद फ़रमाए। और अफसोस की बात यह भी है कि अभी थोड़े दिन पहले यादगार असलाफ़ अज़ीम मुहक्क़िक़ अज़ीम मुबल्लिग़ हज़रत मौलाना डॉक्टर अब्दुल रज़ाक़ सिकंदर साहिब रहमतुल्लाह अलैह का भी इंतकाल हुआ। और अभी चंद दिन के बाद हज़रत शाह साहब भी दुनिया से चले गए। अल्लाह ताला हमें इन बुज़ुर्गों के नक्शे कदम पे चलाए। इन्ना लिल्लाहि मा अखज़ व लहू मा आता व कुल्लु शैइन इंदहू बिअजलिन मुसम्मा अल्लाहुम्मा ला तहरिमना अजरा व ला तफ्तिन्ना बादा। अल्लाह करीम बुज़ुर्गों की बरकत से हमें कभी महरूम न फरमाए और इन नेक बुज़ुर्गों की राहों पर हमें भी चल कर ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन वस्सलाम।